हेलो एवरीवन, आज हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करके दिखाने वाले हैं। ये 12 मॉडलर का स्विच बोर्ड है। इसमें दो टू वे का स्विच है, एक रेगुलेटर डिमर लगा हुआ है, एक एसी का स्विच है, एक यूएसबी चार्जर है और एक टीवी का है और एक 5-पिन सॉकेट का स्विच सॉकेट है। तो चलिए इसकी तार जो है हम क्या क्या पार किए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये 12 मॉडलर यहाँ पर लगने वाला है। आइए इसकी वायरिंग की तार की हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या तार दिए हैं। तो सबसे पहले ये जो ये ब्लैक वाला जो है, ये ग्रे वाला जो वायर है, ये सेफ्टी का वायर है और ये दो एसी का है। इसमें फेज मैन एक एमसी बॉक्स आया है और ये ब्लैक वाला रिटेनिंग है जहाँ पर 5-पिन सॉकेट है। ये इन्वर्टर का है और ये ब्लैक वाला जो है स्विच बोर्ड का, ये अलग से न्यूट्रल और ये अलग से फेज और ये पंखे का जो है सेफ्टी है। और ये दो टू वे का तार दिया गया है, एक पंखे का और ये बल्ब का, एक बल्ब का है। और ये दो पॉइंट जो है ये टीवी का है, दो ब्लू वाला वायर दो टीवी का है। और ये तीन जो है न्यूट्रल है, तीन सीलिंग लाइट का जो है यहाँ पे न्यूट्रल यहीं पे उतारे हैं। और ये पीला वाला जो है ये पंखा का है। तो ये बोर्ड जो है ये बेड स्विच का बोर्ड लगाने वाला है। यहाँ पे बेड स्विच होने वाला है, यहाँ पे बेड लगने वाला है इस जगह पे। तो इसमें देख सकते हैं ये दो टू वे का स्विच है, एक बल्ब एक पंखे के लिए और ये एसी का सॉकेट है, स्विच है, एसी स्विच है। और ये यूएसबी चार्जर का स्विच है, इसमें टीवी का पॉइंट देने वाले हैं और ये सॉकेट का। तो ये इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दो टू वे का तार को जोड़ेंगे, दोनों तार को छील लेंगे। छीलने के बाद ये जो है पंखे का कनेक्शन में देंगे, दो वायर को, एक ऊपर एक नीचे और बीच में रेगुलेटर का जो पॉइंट है उसको दे देंगे। और ये जो है ये रेगुलेटर से और एक वायर जो है वो पंखे में जुड़ जाएगा। पीला वाला जो है ये पंखे वाला है, फैन का है। इसको अच्छा से प्लायर से कस देंगे, कसने के बाद ब्लैक टेप कर देंगे। अब ये जो दो ब्लू वाला वायर है ये दो टीवी का है, दोनों टीवी को पहले जोड़ देंगे। और ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये सब लाइट पॉइंट का है, न्यूट्रल। ये सारे न्यूट्रल को एक जगह जोड़ के इसमें एक जगह जोड़ के टेपिंग कर देंगे। और ये जो है ये एसी का है और ये इसकी हम फुल फिटिंग आपको बताते हैं। तो फाइनली ये स्विच बोर्ड मेरा तैयार हो चुका है, वायरिंग करके सारा कनेक्शन करके। आइए इसकी कनेक्शन की बात हम करेंगे कि कहाँ कहाँ किस में कौन सा कनेक्शन किए हैं नहीं किए हैं उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं ये जो दो वायर है ये दो सेफ्टी का वायर है, एक पंखा का, एक डायरेक्ट एमसी बॉक्स है। ये जो है फेज बैक है, ये फेज वाला इसमें जुड़ा है यहाँ से ऊपर में। और ये जो है सारे न्यूट्रल के जगह जोड़ लिए हैं। और ये पंखा वाला है और ये दो एसी का है, ये डायरेक्ट फेज है। और ये काला वाला रिटेनिंग है, यहाँ से रिटेन गया है सॉकेट के पास। और ये दो टू वे का वायर देख सकते हैं, एक दो वायर एक ऊपर एक नीचे, बीच में इन्वर्टर वाला है। और इसमें पंखा वाला देख सकते हैं, दो वायर जो है दो साइड में दिए हैं, पंखा ब्लैक वाला बीच में दिए हैं। ये फुल कनेक्शन हो चुका है और कुछ तो इसमें है नहीं, तो इसको सेट लगा के दिखाते हैं। देख सकते हैं ये दीवार में इसको हम लगा चुके हैं, इसका कवर को भी लगा के दिखाते हैं। इसके कवर को भी लगा दिए तो देख सकते हैं ये फाइनली फिटिंग हो चुका है। ये तो एक बल्ब एक पंखे का है, ये यूएसबी चार्जर का है, ये टीवी का है, ये सॉकेट का है और ये एसी का है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।